साइबर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे। केमिस्ट्री में अक्रिय गैस पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने वीडियो में बताया था कि अक्रिय गैस कौन कौन से है कि नहीं, उसके बारे में कुछ चर्चा किए थे। तो आज हम लोग अक्रिय गैस के बारे में, तो इस हम बताए थे कि अक्रिय गैस टोटल 7 है। अक्रिय गैस 7 है, जिसमें से 6 प्राकृतिक है और 1 मानव निर्मित है। तो अभी जो मानव निर्मित उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है, वो 6 है। हम ये भी बताए थे कि अक्रिय गैस किसी से अभिक्रिया नहीं करता है कि नहीं। उसको अक्रिय गैस को नोबेल गैस भी बोला जाता है, इनर्ट गैस भी बोला जाता है कि नहीं, उत्कृष्ट गैस भी बोला जाता है, शायद आप इसको जानेंगे। तो उस 7 अक्रिय गैस में, जो मैंने 7 गैस लिखाए थे है ना, 7 गैस को हम बता देते हैं कौन कौन सा था, लिखेंगे तो नहीं क्योंकि मैं इससे पहले वीडियो में बता चुका हूं। तो बताए थे हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टोन है, जेनोन है ना, रेडोन है और ऑगेंसन है, 7 है। जिसमें से हम बताए थे कि सबसे हल्की अक्रिय गैस वो कौन सा है, तो वो आपका जाकर के हीलियम है। जबकि सबसे भारी कौन सा है, तो रेडोन है, बताए भी थे। और ऑगेंसन क्या है, प्राकृतिक मानव निर्मित है, इतना। चलिए हम आगे बात करते। तो इस 7 अक्रिय गैस में आज जो हम चर्चा करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ हीलियम के बारे में चर्चा करेंगे। जो किस प्रश्न में आप इसको जाने, आज वाले वीडियो से हीलियम में कहीं से भी प्रश्न आएगा आपका नहीं छूटेगा, है कि नहीं। तो फिर मैं फिर आज आपको बता रहा हूं कि आप जो बैठे, ये फर्स्ट टाइम क्लास है, फर्स्ट टाइम क्लास में कॉपी कलम लेकर के जरूर बैठे है कि नहीं। फर्स्ट टाइम आप जरूर लिखे, जहां पर आपको लगे नहीं तो फिर आपको पीछे जाए और उसको लिखे, रोक रोक करके आप लिखे और आगे बढ़े। ऐसे मैं इतने आसान शब्दों में, इतने आसान भाषा में बताऊंगा कि आपको एक बार में समझ में आएगा। लेकिन आप कंटिन्यू इसको देखें, एक छोटा सा वीडियो है, ज्यादा बड़ा नहीं है, लगभग 10 मिनट का रहेगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। लेकिन आपको सबसे पहले दिल लगाना होगा किसी भी चीज पे। तो अगर आपको यहाँ पर रुचि नहीं है तो बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। और आप यहाँ पर थोड़ा सा, बस इतना जाने का थोड़ा सा वक्त निकाल कर इसके पीछे हम समय दें, बिल्कुल समझ में आएगा। तो चलिए आइए आज बात करते हैं किसका, हीलियम के बारे में, है कि नहीं। तो आज हम बात कर रहे हैं हीलियम के बारे में, है ना। हीलियम आज हम लोग बात कर रहे हैं हीलियम के बारे में। तो यहाँ पर देखें कि सबसे पहले आप बताएं कि आप बैलून देखे होंगे, है ना। तो इस बैलून में जो है ना, बताइए कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है। ये जो बैलून है, आप बैलून देखे होंगे, इस बैलून में कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग को पता ही होगा कि बैलून में जो है ना, हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। कौन सा, हीलियम। बैलून में जो है वो हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि आखिर बताइए कि हीलियम गैस का प्रयोग क्यों किया जाता है। हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है ना, आखिर कि हीलियम गैस का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि हीलियम गैस जो है ना, सबसे हल्की गैस है। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि हीलियम गैस सबसे हल्की गैस है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो यह गलत है, हीलियम गैस सबसे हल्की गैस नहीं है। हीलियम से भी हल्की गैस आपका हाइड्रोजन है। तो फिर आपका मन में सवाल उठ रहा होगा, जब हीलियम से हल्की, देखिए आपको लिख देता हूं, हीलियम से भी हल्की गैस जो है आपका हाइड्रोजन है, लेकिन हाइड्रोजन का किसी बैलून में प्रयोग नहीं किया जाता है, आखिर क्या कारण है। तो कारण यही है कि हाइड्रोजन जो है वो ज्वलनशील गैस है। क्या है, ज्वलनशील गैस है, जबकि हीलियम आपका अज्वलनशील गैस है ना। जबकि हीलियम आपका क्या है, अज्वलनशील गैस है। यही कारण है, आप समझ गए होंगे कि हाइड्रोजन हीलियम से भी हल्का गैस है। समझिए, फिर से मैं बता देता हूं, हाइड्रोजन क्या है, हीलियम से भी हल्का गैस है, लेकिन इसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि ये एक ज्वलनशील गैस है। जबकि इससे भारी गैस कौन है, हीलियम। इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि ये अज्वलनशील गैस है। आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, आप समझ गए, आगे बढ़े। तो हीलियम का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि ये अज्वलनशील गैस है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप चाहें कि हाइड्रोजन गैस को किसमें, बैलून में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, वो जल जाएगा, यही कारण उसका इस्तेमाल नहीं किया। हमको लगता है आपको बेहतरीन तरीके समझ में आ गया होगा कि हाइड्रोजन हल्का गैस होने के कारण भी बैलून में इस्तेमाल नहीं किया जाता है, जबकि हीलियम गैस का इस्तेमाल किया जाता है। यही कारण है जो हीलियम गैस का प्रयोग किसमें किया जाता है, बैलून में।
ठीक, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करते हैं, ये आपका हो गया बैलून में जो इसका प्रयोग किया जाता है कि नहीं। अब हम आगे बात करते हैं, आप स्कूबा डाइवर के नाम सुने होंगे, स्कूबा डाइवर, अगर नहीं सुने हैं तो जाने, इसका हिंदी नाम होता है गोताखोर, इसका हिंदी नाम होता है गोताखोर, है ना, गोताखोर, ये तो नाम सुने होंगे, गोताखोर जो समुद्र में जाते हैं, आप नाम सुने होंगे। तो गोताखोर, गोताखोर जो है समुद्र में जो जाते हैं तो अपने साथ एक सिलेंडर लेकर जाते हैं, आप देखे भी होंगे या नहीं, तो आप जो है ना इसको गूगल करके आप देखिएगा, इमेज जरूर दिखाएगा, इसको स्कूबा डाइवर मारेगा ना तो आपको क्या दिखा देगा, आपका दिखाएगा गोता करके उसका इमेज दिखाएगा, तो उसको देखिएगा पीछे एक सिलेंडर वो लेकर जाता है। तो आपका प्रश्न पूछा जाता है कि उस सिलेंडर में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, गोताखोर जो समुद्र में जाते हैं तो अपने साथ एक सिलेंडर लेके जाते हैं, क्या लेके जाते हैं, सिलेंडर, गोताखोर अपने साथ एक सिलेंडर लेके जाते हैं, उस सिलेंडर में किस गैस का प्रयोग करते हैं, तो गोताखोर अपने साथ जो सिलेंडर लेके जाते हैं उसमें तीन गैस होता है, एक होता है आपका नाइट्रोजन, दूसरा होता है ऑक्सीजन और तीसरा हीलियम, ये तीन गैस उसमें रहता है, उस गोताखोर के जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं उसके सिलेंडर में जो होता है वो तीन गैस होता है, कौन कौन सा होता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हीलियम। तो अगर आपसे प्रश्न पूछे कि बताइए गोताखोर अपने सिलेंडर के साथ कौन सा गैस लेके जाते हैं, तो आप बोलिएगा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हीलियम। और अगर आपसे पूछे कि गोताखोर ऑक्सीजन के साथ कौन सा गैस मिलाते हैं, क्या बोलेंगे, दूसरा प्रश्न है, ये लेकर के जाते हैं सिलेंडर में, लेकर के जाते हैं, याद रहे लेकर जाते हैं अपने साथ जो है ना, लेकर के जाते हैं, लेकर के जाते हैं सिलेंडर में क्या चीज, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हीलियम। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि गोताखोर ऑक्सीजन के साथ कौन सा गैस मिलाता है, गोताखोर, गोताखोर ऑक्सीजन के साथ, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ है, गोताखोर ऑक्सीजन के साथ कौन सा गैस मिलाता है, कौन सा गैस मिलाता है, कौन सा गैस मिलाता है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गोताखोर ऑक्सीजन के साथ कौन सा गैस मिलाता है, तो आप बोलिएगा गोताखोर ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस को मिलाता है, गोताखोर ऑक्सीजन के साथ में हीलियम गैस मिलाता है। तो फिर आपको मन में सवाल उठता होगा कि आखिर गोताखोर ऑक्सीजन के साथ में हीलियम गैस क्यों मिलाता है, तो आज हीलियम गैस के बारे में जानेंगे, इसलिए मिलाता है क्योंकि ये हीलियम जो है ना, ये जो आप हीलियम देख रहे हैं, हीलियम क्या है, ये ब्लड में जो है ना कम घुलनशील है, ये हीलियम क्या है, हीलियम ब्लड में कम घुलनशील है, कम घुलनशील है, घुलनशील है, ये जो हीलियम देख रहे हैं, हीलियम क्या है आपका, ब्लड में कम घुलनशील है, तो आखिर कम घुलनशील है तो इसका क्या फायदा है, तो कम घुलनशील होने के कारण जब गोताखोर समुद्र में जाता है और जब वो वापस उधर से रिटर्न आता है तो उसको दर्द नहीं होता है, क्या बोले, फिर से मैं बता दूं कि गोताखोर ऑक्सीजन के साथ कौन सा गैस मिलाते हैं, तो हीलियम को मिलाते हैं, आखिर क्यों मिलाते हैं, क्योंकि हीलियम जो है ब्लड में कम घुलनशील है, हीलियम क्या है, ब्लड में कम घुलनशील है, तो यही कारण है कि जब गोताखोर कहां जाता है, गोताखोर समुद्र में जाता है और जब वो वापस आता है तो उनको दर्द नहीं होता है। अगर गोताखोर हीलियम की जगह में कोई और गैस, क्या बोले, अगर गोताखोर हीलियम की जगह में कोई और गैस का प्रयोग करेंगे तो उसको क्या होगा, दर्द होगा, और ये इतने खतरनाक दर्द होगा कि वो उसकी मृत्यु तक हो सकती है, समझ गए क्या बोले, कि गोताखोर अगर हीलियम की जगह में कोई और गैस का इस्तेमाल करेगा तो उसके बॉडी में जब वापस आएंगे तो उसको इतना दर्द होगा कि उससे क्या हो सकती है, उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो यही कारण है कि ब्लड गोताखोर ऑक्सीजन के साथ में हीलियम को मिलाते हैं, तो आप इसमें समझ गए होंगे। इससे मैं एक चीज और बताता हूँ, गोताखोर से रिलेटेड जो प्रश्न आपका क्या बना है, कि गोता, आपका प्रश्न क्या पूछा जाता है कि गोताखोर जो सिलेंडर लेके जाते हैं वो कौन सा गैस लेके जाते हैं, तो प्रश्न है आपका गोताखोर अपने सिलेंडर के साथ में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हीलियम गैस लेके जाते हैं। दूसरा प्रश्न आपसे पूछेगा कि गोताखोर ऑक्सीजन के साथ में कौन सा गैस मिलाता है, तो गोताखोर ऑक्सीजन के साथ में हीलियम गैस मिलाता है। आपको उम्मीद है ये समझ में आ रहा होगा। अब चलिए हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
आप जो है एक अस्थमा पेशेंट के बारे में नाम सुने होंगे, है ना? क्या चीज? अस्थमा, है ना? अस्थमा, अस्थमा पेशेंट, इसके बारे में आप जाने होंगे। अस्थमा पेशेंट के बारे में आप नाम सुने होंगे। चलिए, अस्थमा पेशेंट को जो है ना सांस लेने में दिक्कत होती है। चलिए, इससे पहले मैं कुछ बातें करूं आपसे। सबसे पहले बताइए कि हम लोग जो सांस लेते हैं तो सांस में क्या लेते हैं? जवाब सवाल है कि हम लोग जो सांस लेते हैं तो बताइए सांस में हम लोग क्या लेते हैं? तो बहुतों का सवाल जवाब होगा कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, तो गलत है। अगर आपके माइंड में ये चीज है कि हम लोग सांस में ऑक्सीजन लेते हैं तो ये आपका गलत है। हम लोग ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, हम लोग सांस जो लेते हैं तो ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, ये गलत है। अगर इसमें से जितना भी लोगों को देखा जाए, पूछा जाए, तो यही जवाब देंगे कि हम लोग सांस में ऑक्सीजन लेते हैं। नहीं, ये गलत है, हम लोग ऑक्सीजन नहीं लेते हैं। तो फिर आपके मन में सवाल उठ रहा होगा क्या लेते हैं? तो हम लोग ऑक्सीजन नहीं लेकर के क्या लेते हैं? एयर लेते हैं। क्या लेते हैं हम लोग? एयर, राइट? नहीं, एयर। तो आखिर की हमारी बॉडी को तो ऑक्सीजन की जरूरत है, हालांकि ये नहीं कि हम लोग ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, क्या लेते हैं? एयर लेते हैं, या नहीं तो दूसरी भाषा में आप बोल सकते हैं मिक्स गैस लेते हैं। हम लोग जो है क्या ले सकते हैं? मिश्रण, है ना, मिक्स गैस लेते हैं, लेकिन प्योर प्योर वायु नहीं लेते हैं, है ना, प्योर प्योर ऑक्सीजन नहीं लेते हैं हम लोग। मेरे बॉडी में, देखिए मैं फिर से बता रहा हूं, हमारे बॉडी को जरूरत है क्या चीज? ऑक्सीजन का। लेकिन जब हम लोग सांस जो लेते हैं तो सांस में हम लोग प्योर ऑक्सीजन नहीं लेते हैं। अगर आपके माइंड में ये चीज सेट है कि हम लोग प्योर ऑक्सीजन लेते हैं तो ये गलत है। हम लोग प्योर ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, क्या लेते हैं? तो हम लोग मिक्स लेते हैं, मिक्स गैस लेते हैं, या नहीं तो एयर लेते हैं। फिर से मैं क्या बोल दूं? मिक्स गैस या नहीं तो एयर लेते हैं, याद रहे। हम लोग प्योर ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, अगर माइंड में है इसको निकाल दे। तो आखिर क्यों नहीं? जब हमारे बॉडी को ऑक्सीजन का जरूरत है तो फिर हम लोग प्योर ऑक्सीजन क्यों नहीं लेते हैं? तो ऑक्सीजन जो होता है ना वो किसी चीज को जलाने में हेल्प करता है। ऑक्सीजन जो होता है वो किसी चीज को क्या करता है? जलाने में सहायता करता है। यही कारण है जो प्योर ऑक्सीजन हम लोग नहीं लेते हैं, क्या लेते हैं? हम लोग मिक्स ऑक्सीजन लेते हैं, ये मिक्स गैस लेते हैं, या नहीं तो एयर लेते हैं। यानी उसमें क्या रहता है आपसे, जैसे हम लोग यहाँ वातावरण है, यहाँ ये है ना, तो वातावरण से जो है यहाँ पर नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन भी है। तो क्या हम लोग क्या करते हैं? नाइट्रोजन को बोलते हैं उधर रहो, कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं उधर रहो, सिर्फ मेरे पास क्या ऑक्सीजन? ऐसा नहीं, हम जो सांस लेते हैं तो सारा मिक्स आता है, कोई एक सिर्फ ऑक्सीजन नहीं आता है। तो हमको लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हम लोग सांस के रूप में जो है वो क्या लेते हैं? मिक्स एयर लेते हैं या मिक्स गैस लेते हैं। तो अब हम बात करते हैं अस्थमा पेशेंट के बारे में। अस्थमा पेशेंट को क्या होता है? हम लोग तो सांस के रूप में एयर लेते हैं। अस्थमा पेशेंट के बाद साथ क्या होता है कि हम लोग तो लेते हैं, हम लोग लेते हैं एयर, है कि नहीं? लेकिन यही एयर जो है ना अस्थमा पेशेंट को दिक्कत करता है। हम लोग तो लेते हैं एयर, लेकिन यही एयर अस्थमा पेशेंट को क्या करता है? दिक्कत करता है। तो अब उसको चाहिए क्या? उसको तो बॉडी को तो चाहिए ऑक्सीजन, ताकि कि उसको कैसे होगा, डायरेक्ट ऑक्सीजन भी तो दे नहीं सकते। अगर वो प्योर ऑक्सीजन लेगा तो उसको दिक्कत होगा। तो उस ऑक्सीजन के अभी हम तुरंत बताएं, उस ऑक्सीजन के साथ में क्या चाहिए? जो कोई मिक्स होना चाहिए, यानी मिक्स गैस। तो मिक्स गैस क्या मिलाएंगे? तो मिक्स गैस वो गैस मिलाएंगे जो उसके साथ जब अंदर आए मेरे बॉडी के अंदर में, तो किसी के साथ में क्या करे? अभिक्रिया ना करे। फिर से मैं समझा दूं, मेरे कहने का है कि अगर हम प्योर ऑक्सीजन लेंगे तो अंदर जाएगा, मेरे साथ रिएक्ट करेगा, अभिक्रिया करेगा, और इससे क्या होगा? हमारे शरीर को हानि पहुंचाएगा। तो वो अंदर जाकर के हानि ना पहुंचाए, इसके लिए वो कोई अभिक्रिया ना करे, इसके लिए क्या करते हैं हम लोग? हीलियम मिलाएंगे। क्या मिलाते हैं? तो ऑक्सीजन के साथ में जो है ना हीलियम गैस मिलाते हैं। तो यही कारण है जो आपको प्रश्न पूछा जाएगा, अस्थमा पेशेंट जो फुसफुस का चीज जो देखे होंगे आप लोग, जब वो अस्थमा पेशेंट को जब वो सांस में लेने में दिक्कत होने लगती है तो वो एक फुसफुस का निकालते हैं और अपने ही में मारते हैं, तो उसमें जो रहता है वो ऑक्सीजन के साथ में वो हीलियम का हीलियम गैस रहता है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि अस्थमा पेशेंट ऑक्सीजन के साथ वो जो फुसफुस का जो इस्तेमाल करता है उसमें कौन सा गैस मिक्स रहता है, तो वो ऑक्सीजन के साथ में हीलियम गैस का मिक्स रहता है। हमको लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न यही पूछा जाता है, अस्थमा पेशेंट
अपने जो फुसफुस का जो इस्तेमाल करता है उसमें कौन सा गैस का इस्तेमाल करता है, तो ऑक्सीजन के साथ में हीलियम का। तो हीलियम का क्यों किया जाता है, क्योंकि ये किसी के अंदर जाकर को क्या करे, किसी के साथ अभिक्रिया ना करे। चलिए मैं आप इसलिए भी आपको समझ में आया। अब मैं लास्ट जा रहा हूं, लास्ट अब जा रहा हूं सूर्य के बारे में, सन सूर्य। तो सूर्य में जो है ना कौन कौन सा गैस पाया जाता है, तो देखिए सूर्य में जो होता है ना वो हाइड्रोजन और हीलियम पाया जाता है, हाइड्रोजन और हीलियम, है ना, हाइड्रोजन और हीलियम। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि सूर्य में जो है ना हाइड्रोजन और हीलियम का क्या रेशियो है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि सूर्य में जो गैस पाया जाता है वो हाइड्रोजन हीलियम और भी है, तो मुख्य रूप से हम लोग हाइड्रोजन और हीलियम के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सूर्य में जो गैस पाया जाता है हाइड्रोजन हीलियम उसका रेशियो क्या है, अनुपात क्या है, तो आप जो है ना इसका अनुपात बताएं कि 3:1 होता है, कितना होता है 3:1। लेकिन अगर बात करें कि परसेंट में कितना है, अगर आपसे बात करें कि परसेंट में कितना है, तो इसका लगभग 70% बताना है और इसका 30% बताना है। ऐसे आपको अलग अलग किताब में कुछ आगे पीछे दिखेगा, है कि नहीं, अलग अलग किताब में आपका अलग अलग दिखेगा, लेकिन आपको इससे कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। तो हालांकि ये हाइड्रोजन जो होता है 70 से भी थोड़ा कम होता है, लेकिन अप्रोक्स में लिखे हैं, थोड़ा सा इधर उधर रहेगा, ज्यादा नहीं भागेगा। तो आपको क्या रखना है इसमें, क्योंकि और भी चीज तो है ना, तो वो ऐसे ही 100% हो गया तो वो कैसे रहेगा, लेकिन फिर बार फिर इसके अलावा दूसरा चीज नहीं पूछता है, आपका हाइड्रोजन और हीलियम ही पूछा जाएगा कि सूर्य में जो है हाइड्रोजन पाया जाता है कितना परसेंट और हीलियम कितना। तो आपका इसी के नजदीक में दिखाएगा 70% है, इसका जो है ना वही 27-28 भी कभी कभी दिखाता है ना किसी किसी बुक में, तो उतना लेना नहीं है। आपका दो ऑप्शन रहेगा तो दोनों का गैप दूर दूर में रहेगा, जो आप जरूर पकड़ सकते हैं कि नहीं, गैप दूर देगा। तो आप इतना याद रखें कि हाइड्रोजन का जो परसेंट है वो 70% है और हीलियम का कितना परसेंट है 30%। तो आपको आशा करते हैं कि ये चार चीज आपको समझ में आएगा। हीलियम से आपका चार टाइप का प्रश्न पूछता है, हीलियम से चार प्रश्न क्या, तो एक आपको बताएं कि हीलियम क्या बोलते हैं गुब्बारे में कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है, हीलियम क्यों किया जाता है, क्योंकि हीलियम क्या है सबसे हल्की अज्वलनशील, जलने वाली नहीं, अज्वलनशील गैस है, जबकि हीलियम से भी हल्का गैस है हाइड्रोजन, लेकिन वो ज्वलनशील है, इसी कारण जो हाइड्रोजन का ना इस्तेमाल करके हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा प्रश्न क्या होता है, गोताखोर स्कूबा डाइवर्स, है ना, तो गोताखोर से प्रश्न क्या पूछा जाता है कि गोताखोर अपने साथ जो सिलेंडर लेकर जाते हैं वो कौन कौन सा गैस लेकर के जाते हैं। तो गोताखोर अपने साथ जो सिलेंडर लेकर जाते हैं उस सिलेंडर में नाइट्रोजन ऑक्सीजन और हीलियम गैस रहता है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि गोताखोर ऑक्सीजन के साथ में कौन सा गैस मिलाते हैं, तो गोताखोर ऑक्सीजन के साथ में हीलियम गैस मिलाते हैं। क्यों, क्योंकि हीलियम जो है ब्लड में क्या है कम घुलनशील है, आपको बताएं ये चीज है। फिर हम आपको चलते हैं किसके बारे में, अस्थमा पेशेंट के बारे में। अस्थमा पेशेंट हम आपको बताएं कि हम लोग जो है कि सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन नहीं मिक्स एयर लेते हैं, या नहीं तो मिक्स गैस लेते हैं। फिर हमारी बॉडी को जरूरत क्या है, तो हमारे बॉडी को ऑक्सीजन का जरूरत है, लेकिन हम लोग प्योर ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, क्योंकि वो किसी वस्तु को जलाने में क्या होता है सहायता करता है। तो अगर हम प्योर ऑक्सीजन लेंगे तो हमारे बॉडी को क्या पहुंचाएगा, हानि पहुंचाएगा, इसलिए हम लोग प्योर ऑक्सीजन कभी नहीं लेते, हम लोग लेते हैं मिक्स लेते हैं, है ना, एयर लेते हैं, नहीं तो मिक्स ऑक्सीजन लेते हैं। तो फिर हम और क्या चीज था इसमें, हाँ, अस्थमा पेशेंट क्या करता है, वो जो अपने फुसफुस का जो इस्तेमाल करता है उसमें क्या चीज मिलाता है, तो उसमें हीलियम का, ऑक्सीजन के साथ में हीलियम गैस का इस्तेमाल करता है। आखिर क्यों करता है, क्योंकि वो क्या करे अंदर जाकर के कोई ऐसा अभिक्रिया ना करे जिससे हमारे बॉडी को क्या पहुंचे, हानि पहुंचे। और लास्ट में हमने क्या बताया, सूर्य के बारे में, सूर्य क्या होता है, सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाया जाता है, कुछ मात्रा में और भी गैस पाया जाता है जो उसके उसे प्रश्न में नहीं पूछा जाता है। ये आपका मेन हाइड्रोजन और हीलियम के बारे में पूछा जाता है कि हाइड्रोजन हीलियम का रेशियो क्या है, तो रेशियो हमने बताया 3:1 होता है, जबकि परसेंट की बात किया जाए तो 70% और 30% होता है। हमको लगता है आपको भली भांति बड़े आसान से समझ में आएगा। अगर ये समझ में आ गया होगा तो मैं इसके आगे नेक्स्ट फिर बना के दिखाऊंगा। थैंक यू।